ऐसे कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की तीन उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं, तो ये तीन उंगली घुमाने का फल क्या है? क्या फल है इस शिवलिंग पर ये तीन उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिकुंड लगाना है। बोलो सही है गलत है? आप तो यही सोचोगे ना कि शिव जी को त्रिकुंड लगाया गया है, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, इसमें आप अगर विद्येश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठा कर देखोगे तो उसमें वर्णन आता है, जब कोई पुरुष नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है, या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है, और मात्र उंगली से तीन लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिकुंड लगाना नहीं होता, उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली है। यह फल प्राप्त।